आज ही के दिन 1509 में विजयनगर साम्राज्य के सम्राट के रूप में महाराज कृष्णदेव राय की ताजपोशी हुई। आज ही के दिन 1763 में कनाडा पेरिस समझौते के आधार पर फ्रांस के आधिपत्य से स्वतंत्र हुआ। आज ही के दिन 1864 में जेनेवा में रेड क्रॉस की स्थापना की गई। 1915 में आज ही के दिन आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख स्तंभ भीष्म साहनी का जन्म हुआ। भीष्म साहनी प्रसिद्ध भारतीय लेखक थे। उन्हें हिंदी साहित्य में प्रेमचंद की परंपरा का अग्रणी लेखक माना जाता है। भीष्म साहनी ने कई प्रसिद्ध रचनाएं की थीं, जिनमें से उनके उपन्यास तमस पर वर्ष 1986 में एक फिल्म का निर्माण भी किया गया था। उन्हें कई पुरस्कार व सम्मान प्राप्त हुए थे। 1998 में भारत सरकार के पद्म भूषण अलंकरण से भी वे विभूषित किए गए थे। आज ही के दिन 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बम्बई, जो अब मुंबई है, सत्र में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। आज ही के दिन 1945 में सोवियत संघ ने द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। आज ही के दिन 1988 में अफगानिस्तान में 9 साल के युद्ध के बाद रूसी सेना की वापसी शुरू हुई। आज ही के दिन 1991 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने उत्तरी और दक्षिणी कोरिया की सदस्यता को मंजूरी दी। और आज ही के दिन 2010 में तिब्बत के गंसू प्रांत में भूस्खलन से 100 लोगों की मौत और तकरीबन 2000 लापता हो गए।